दोस्तों, आपने स्टार प्लस का लोकप्रिय शो नव्या तो देखा होगा। ये सीरियल बहुत कम समय में लोगों का फेवरेट सीरियल बन गया, क्योंकि इस सीरियल की कहानी दर्शकों को बड़ा पसंद आई, जो कि एक लव केमिस्ट्री पर आधारित थी, जिसे दर्शक देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी रहते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सीरियल में काम कर चुके कुछ कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। नंबर 5, विनीता महेश। इस सीरियल में विनीता महेश ने रितिका जोशी का किरदार निभाया, जो सीरियल में नव्या की बेस्ट फ्रेंड होती है और काफी बोल्ड भी होती है, और नव्या को आनंद से मिलवाने की कोशिश करती है। इस सीरियल में इन्होंने एक दोस्त का किरदार बखूबी निभाया, जिसके चलते दर्शकों के बीच पॉपुलर हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम शशांक कुंवर है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले लव मैरिज की। आज ये अपनी मैरिड लाइफ में बड़े खुश हैं। आपको बता दें, इनके पति प्रोफेशन से सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। आपको बता दें, शशांक कुंवर इनके दूसरे पति हैं। इन्होंने इनसे पहले तेजस ठाकुर से शादी की थी। नंबर 4, स्निग्धा पांडे। इस सीरियल में स्निग्धा पांडे ने रामा वाजपेयी का किरदार निभाया, जो आनंद के बड़े भाई की पत्नी है, आनंद की भाभी होती है। इस सीरियल में इन्होंने एक लालची औरत का किरदार निभाया था, जो चंद पैसों के लिए अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवाना चाहती है। इस सीरियल में इन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया और दर्शकों ने इनके चुलबुले किरदार को बड़ा पसंद किया। अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो आपको बता दें, इन्होंने शादी नहीं की है और ना ही किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इनका मानना है कि पहले करियर में सेट कर लें, फिर बाद में कर लेंगे शादी वादी। नंबर 3, क्षिति जोग। इस सीरियल में क्षिति जोग ने नीता शर्मा का किरदार निभाया, जो कि नव्या की माँ होती है और अपने बेटी से बड़ा प्यार करती है। ये नहीं चाहती कि इनकी बेटी नव्या किसी लव के चक्कर में पड़े, इसलिए अपनी बेटी को काफी प्रोटेक्ट करती है। इस सीरियल में इन्होंने एक माँ का किरदार बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया। आज भी दर्शक इनके इस किरदार के लिए याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम हेमंत धूमे है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में शादी की। आपको बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से फिल्म स्क्रिप्ट राइटर है, जिन्होंने भक्तोस काय मुजरा कर, ऑनलाइन बिल लाइन, पोस्टर गर्ल, ये रे पैसा 2 जैसी फिल्में लिखी हैं। नंबर 2, शाहिर शेख। इस सीरियल में मेन लीड एक्टर के तौर पर शाहिर शेख ने अनंत वाजपेयी का किरदार निभाया, जो कि सीरियल में नव्या से प्यार करते हैं और उन्हें पाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। इस सीरियल में इन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाकर दर्शकों के बीच खूब वाहवाही लूटी। अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी की, तो आपको बता दें, इन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन एक समय किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी को-स्टार एरिका फर्नांडिस थी, जो इनके साथ सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे में नजर आई थी। इस सीरियल की शूटिंग के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया, काफी साल एक दूसरे को डेट किया, लेकिन भाई साहब गड़बड़ हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इनका ब्रेकअप हो गया। नंबर 1, सौम्या सेठ। इस सीरियल में सौम्या सेठ ने मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नव्या का किरदार निभाया, जो काफी सिंपल लड़की होती है, जो अनंत वाजपेयी से प्यार करती है, लेकिन इनकी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट होती है, जिसके चलते ही अपने प्यार के बारे में अपने घर में नहीं बता सकती। इस सीरियल में दर्शकों ने इनके भोलेपन वाले किरदार को काफी पसंद किया और दर्शकों से इन्हें काफी सराहा भी गया। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम अरुण कुमार है, जिनसे इन्होंने साल 2017 में लव मैरिज की। आज नव्या एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। इन्होंने शादी के बाद टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से एक अभिनेता हैं, जिन्होंने अमेरिकन एक्सोरिज्म, ग्लास और मॉल डॉग्स जैसी फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में किस कलाकार की जोड़ी अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो।